तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इस तरीके से स्टेटस आप एक बार देख लीजिए, तो मैं आपको सामने इस तरीके से स्टेटस लेके आ चुका हूँ। तो अभी आपको इस तरीके से स्टेटस बनाना है तो मेरे वीडियो फुल तक देखते रहना है, क्योंकि इस तरीके से स्टेटस वीडियो मैं आप लोगों को आज बनाना सिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से स्टेटस बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। वो काइन मास्टर लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो आपको सामने मिलते रहते हैं। तो अब क्या करना है, अभी आपको काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग पर चला जाना है, एडिटिंग पर चला जाना है। डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन को एक बार आपको माइनस कर देना है, जीरो कर देना है, इसको फिल स्क्रीन कर देना है, ओके कर देना है। अभी आपको कुछ फ़ोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, 6-7 फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जैसे कर ले रहा हूँ, तो इस तरीके से 6-7 फ़ोटो आपको ले लेना है। लेने के बाद अभी आपको ये क्या करना है, इसको अभी शेयर पर ऊपर जाना है, इसको अभी हाई क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट कर लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपको फिर से बैक आना है। आने के बाद फिर से प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से सेटिंग पर आना है, एडिटिंग पर चला जाना है, इसको अभी फिल स्क्रीन कर देना है। अभी आपको कुछ फ़ोटो आपको ले लेना है, 6-7 फ़ोटो आपको है फिर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ, तो ये 6-7 फ़ोटो आपको है फिर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ले लेता हूँ। तो लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको सॉन्ग ऐड कर लेना है। तो सॉन्ग आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला सॉन्ग मैं ले लेता हूँ, तो ये वाला मैं दे दूँगा स्टेटस। आप वहाँ से जाकर के ही आपको नीचे आना है, एक्सटेंड ऑडियो करके आपको इसको बाकी का जो ई है इसको डिलीट कर देना है, आपको सॉन्ग आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, इसको अभी दो फिंगर से इसको अभी इस तरीके से जूम कर लेना है। तो इस तरीके से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद अभी आपको देख सकते हैं, तो अभी आपको इस तरीके से आपको बीट के नज़र से ही आपको आ जाएगा वीडियो। इस तरीके से बीट के हिसाब से ही आपको ये ले लेना है। तो इस तरीके से अभी आपको फिर सुन लेना है। तो इसको फिर से सुन लेना ना, आपको ये इस जगह पर आपको फिर से बीट नज़र आ रहा है। तो इसके आपको बाकी का हिस्सा जो है इसको अभी ट्रिम टू राइट कर देना है। तो आपको फिर से सुन लेना है, आपको इस जगह पर आपको फिर से आपको आना है, यहाँ पे आपका छोटा छोटा जो है इसको अभी सुन सुन करके आपको फिर से इस जगह पर आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, कट लगा लेना है। तो इस तरीके से फिर सुन लेना है। तो आपको फिर से सुन लेना है, इस जगह पर आपको फिर से कट लगा लेना है।
तो इस तरीके से आपको कार्ड लगा लेना है। तो इस तरह का फिर से आपको कार्ड लगा लेना है, छोटा छोटा है तो इतना वजन का। इस जगह पर फिर से आपको कार्ड लगा लेना है, तो फिर से आपको सुन लेना का। तो अभी आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी जो वीडियो आपको ऐड करा है, एक्सपोर्ट किया है, उस वीडियो को आपको ऐसे आपको ले लेना है। तो उस वीडियो को आपको इस तरीके से आपको ले लेना है, जितना तक आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको फिर से सुन लेना है, इस जगह पर जा करके। आपको फिर से ऐसे आपको सुन लेना है, आपको ऐसे ट्रिम टू राइट कर देना है। आपको फिर से यहाँ पे एक फोटो ऐड कर लेना है, फिर से एक फोटो आपको ऐसे ऐड कर लेना है। तो ये वाला फोटो ऐड करने के बाद आपको फिर से सुन लेना है, आपको यहाँ से फिर से आपको ट्रिम टू राइट कर लेना है। आपको फिर से आपको फिर से ऐसे आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। आपको फिर ऐसे आपको फिर जो अभी एक्सपोर्ट किया है, अभी जो वीडियो वो आपको ले लेना है। तो इस तरीके से आपको सुन लेना है और फोटो ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है। तो आपको फिर से सुन लेना है, आपको ऐसे फिर से आपको सुन लेना है। तो ये मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। फिर से आपको सुन लेना है, तो आपको इस जगह पर आपको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपको फिर से यहाँ से एक फोटो ऐड कर लेना है, फिर से यहाँ से एक कट लगा लेना है। इस तरीके से कट लगा लेने के बाद आपको फिर से यहाँ से एक एक्सपोर्ट वाला वीडियो आपको ले लेना है। तो इस तरीके से होने के बाद अभी आपको देख सकते हैं, तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपको डिलीट कर देना है। जो बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको अभी डिलीट कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद तो अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिप ग्राफिक लगा लेना है। तो बहुत ही अच्छा अच्छा क्लिप ग्राफिक है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये समर वेकेशन जो क्लिप ग्राफिक है ये आपको लगा देना है। तो ये नहीं है, सॉरी, तो ये वाला आप लगा देना है। तो लगाने के बाद आप ये आपको फिर से दूसरे वाला फोटो में आपको आना है। अभी आपको फिर से दूसरा जो क्लिप ग्राफिक है और ये जो ग्रिड शेप है ये आपको लगा देना है, कोई सा भी एक लगा देना है। तो ये आपको लगा देना है। तो फिर से आपको आना है क्लिप ग्राफिक पर, चला जाना है ग्रिड शेप जो है, ग्रिड शेप ये जो है ये आपको लगा देना है। तो इस तरीके से आपको लगा देना है। अभी आपको फिर से आना है यहाँ पे जो आपको फोटो ऐड किया है, तो इस फोटो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसको वाला जो है यहाँ पे आपको कैम मोशन वाला जो है ये वो आपको लगा देना है। तो कैम मोशन वाला तो ये गेट मोर में मिल जाएगा। तो आपको जो ये कैम मोशन वाला जो क्लिप ग्राफिक है ये आपको कोई सा भी आपको लगा देना है। जूम इन वाला, जूम आउट वाला ये आपको लगा देना है। लगने के बाद अभी आपको फिर से ये बड़ा फोटो में आपको आना है, इसमें आपको कौन सा क्लिप ग्राफिक लगा लेना है सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड करोगे।
तो ये जो कॉल मी डीजे वाला जो क्लिप ग्राफिक है ये आपको एक नंबर वाला आपको लगा देना है। लगने के बाद अभी आपको फिर से आपको यहाँ पे आना है, तीसरी फोटो में आपको आना है। आने के बाद आपको फिर से कोई सा भी एक क्लिप ग्राफिक आप लगा सकते हैं, तो मैं ये वाला लगा देता हूँ। तो इस तरीके से लगाने के बाद अभी आपको देख सकते हैं, तो इतना होने जाने के बाद अभी आपको क्या करना है। तो ये वाला क्लिप ग्राफिक अभी कहाँ से मिलेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक पर चला जाना है। जाने के बाद आपको नीचे आना है, गेट मोर में जाना के जा कर के ही आपको मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अभी आपको सबसे पहले आपको नीचे आना है ट्रैवल पर। ट्रैवल पर आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं जो समर वेकेशन है ये आपको यहाँ से सेकंड नंबर वाला जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला। और अभी आपको कौन सा और एक जो लास्ट में है ग्रीट शिफ्ट का ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड कर रखा है उसलिए मेरे को इंस्टॉल देख रहा है, तो अभी आपको ये दो आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैम मोशन वाला आपको यहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों आपको वीडियो बन के रेडी हो गए हैं, तो एक बार मैं आप लोगों को प्ले करके सुनाता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इसको अभी एक्सपोर्ट करने के लिए आपको आपको यहाँ पे जाना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो आपको सामने मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो से, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।